हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर एनएफटीज़ के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के पास में होनी चाहिए। और क्या पता ये एनएफटीज़ जो है वो आप लोगों को फ्यूचर में एयर ड्रॉप दे दे, क्योंकि जैसे एचएफटी ने किया है अपनी मोस्टली एनएफटीज़ के ऊपर मेजर एयर ड्रॉप्स दिए। क्या पता इस तरह का कुछ ट्रेंड चलना शुरू हो, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड अब आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आए, तो इस ट्रेंड को भी मिस ना करते हुए एक नया वीडियो लेकर के आ रहे। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए। अगर कुछ मिस हो जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है मुझसे कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर मिस हुए हो। लेकिन मेरी कोशिश है कि सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारी एनएफटीज़ है। लाइक सब्सक्राइब हॉडल। और इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो प्लीज़ किसी भी एनएफटी को बाय करने से पहले अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से सोचिए कि एक्चुअली में आप लोगों को वो एनएफटी बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, क्योंकि इसके अंदर महंगी एनएफटीज़ भी है और बहुत सस्ती एनएफटीज़ भी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एनएफटी है वो है ये मर्ज की एनएफटी, जो कि है कंसेंसस के थ्रू। और हो सकता है कि मेटामास्क का एयरड्रॉप इस एनएफटी के ऊपर आता हुआ नज़र आए। और मैंने सही बताऊं तो मैंने अपना बैग भर लिया है इस एनएफटी से। और मतलब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर 1/3 का रेशियो है। यहाँ पर 138,000 लोग हैं और 327,000 के आसपास में जो कि कह सकते हैं कि एनएफटीज़ है। और बहुत रेशियो जो है यहाँ पर कम भी होता हुआ जा रहा है। और जैसे जैसे ये रेशियो कम होता हुआ चला जाएगा, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जब ज़्यादा एनएफटीज़ होंगी, और उसके बाद में यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो गेन होता हुआ नज़र आएगा। बेशक यहाँ पर अभी 11 इथेरियम का वॉल्यूम है, लेकिन याद रखिए जब एक बार ट्रेंड पकड़ में आता है फिर उसके बाद सब कुछ पीछे छूट जाता है। फिर सबके सब सिर्फ बाय करने के लिए भाग रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम को मतलब आने मत दीजिए, उससे पहले ही आप लोग ग्रैब कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा टाइम जो है वो जल्दी ही आने वाला है, जैसे ही हम लोग इस बैड मार्केट से बाहर निकलेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास वो है लेयर 3 की कुछ एनएफटीज़। ये है सबसे पहली एनएफटी, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं आर फ्यूल के नाम से है। और ये खुद की लेयर 3 वालों की खुद की अपनी एनएफटी है। और मुझे लगता है कि अपनी एनएफटीज़ के ऊपर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयर ड्रॉप देंगे। वही दूसरी जो एनएफटी है वो है यहाँ पर टर्बो चार्ज के नाम से, ये भी इनकी खुद की एनएफटी है। और तीसरी जो एनएफटी है वो है पावर्ड बाय ईथ, ये भी खुद की इनकी लेयर 3 की एनएफटी है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एनएफटीज़ है इनके पास, बट जो इनकी खुद की ऑफिशियल जो एनएफटीज़ है ये उनमें से एक है। तो मत मिस कीजिए एनएफटीज़ को। क्या पता ये भी आप लोगों को कुछ बड़े रिवॉर्ड जो है वो देती हुई नज़र आए। मिस नहीं करनी चाहिए। मतलब आई नो थोड़ा सा ये महंगी वाली है, बट स्टार्टिंग की 2 जो एनएफटीज़ है वो फिर भी अंडर बजट है ना। तो इनको आप प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आप लेयर 3 यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई होंगी, क्योंकि लेवल 5 करना और लेवल 10 करना काफ़ी ईजी है। लेवल 20 पर आते आते थोड़ा सा जो है टाइम लगता है, लेकिन आपको ये ज़रूर प्लान करनी चाहिए बाय करने के लिए और होल्ड करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर टैली हो की एनएफटी, जो कि इन्होंने दी है काफ़ी सारे ब्रिज वीक और उन सभी के ऊपर, और बहुत सारे लोगों को मिली है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय भी कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस है, मतलब जितना वहाँ पर वो टास्क करके फ़ी वहाँ पर लग रही है उससे कम में आप यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये अपनी एनएफटी के ऊपर ही एयर ड्रॉप देंगे, या फिर जो एनएफटी एनएफटी वॉलेट क्लेम करेंगे उनको देने वाले। तो अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, बट उम्मीद हमेशा ये रहती है कि एनएफटी के ऊपर मिलने वाले। तो बहुत सस्ती अभी एनएफटी जो है ये टैली हो आर्बिट्रम वाली चल रही है। और भी इनकी एनएफटीज़ है जो कि मुझे लगता है आप लोगों को चेक करनी चाहिए गैलेक्सी के ऊपर जा कर के, और उनको मिस नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी एनएफटी है टैली हो से रिलेटेड। यहाँ पर एक और एनएफटी है जो कि टैली हो की ही है। और ये जितने भी लिंक्स हैं सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक बार बाय करने से पहले आप लोग भी रिसर्च कीजिएगा कि रियल है कि नहीं है, या ऐसा कुछ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती है ना। ये ऑप्टिमिज्म वाली एनएफटी है इनकी टैली हो की। और मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि सही मैं लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिमिज्म पे भी जा कर के आप बाय कर सकते हैं। और याद रखिए कि ये अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बाय करने के लिए, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप OpenSea के ऊपर ही बाय करें, क्योंकि हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये सस्ती मिल जाए। ऐसा भी बहुत ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये आप सभी को याद होगा, ये एडवेंचर वाली जो एनएफटी है, ये बेसिकली क्लिपर डेक्स की जो एनएफटी है, और जो उनका कैंपेन चल रहा है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हो सकता है ये लोग भी कुछ ना कुछ जल्दी ही इस तरह का कुछ NFT के ऊपर कह सकते हैं कि एयर ड्रॉप लेकर के। अभी 10 मैटिक की ये NFT है, इसको लीजिए, एडवेंचर को ज्वाइन कीजिए और बहुत क्या पता, मतलब वैसे तो अब इसका टाइम निकल गया बट फिर भी NFT बाय करके रखिए, कुछ नहीं पता क्या हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने वैसे शेयर किया था ये और हो सकता है आप लोगों के पास में हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वेट करते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 4,500 के आसपास में ही ओनर्स है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप आएंगे, यह है ओडियोस की, ओडोस जिसको हम लोग कहते हैं, ओडोस स्वैप, उनकी NFT है। बहुत सारी NFTs हैं इनकी खुद के, जो काफ़ी सारे कैंपेन हैं उनको आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 0.0002 के आसपास में NFTs जो है वो इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी सॉलिड, मतलब आने वाले टाइम में बेसिकली काफ़ी अच्छा स्वैप नज़र आ रहा है अगर आप इसको फॉलो करते हैं, है ना। ये सस्ते वाली NFTs भी है प्लस ये वाली NFTs भी है जो कि काफ़ी सारे कैंपेन करके अभी आई गेस इनका ख़त्म हो गया कैंपेन। तो अगर आप ये वाली NFTs बाय करना चाहते हैं, इनके इस कैंपेन वाली, तो आप बाय कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ इनकी प्रीमियम वाली NFTs है जो अभी मैं दिखा रहा था। इनकी ये वाली NFTs जो है वो प्रीमियम नहीं, ये पहले वाले कैंपेन में आई थी, अभी जो कैंपेन में आई है वो ये वाली NFTs है। तो नज़र रखिए और अगर आप बाय कर सकते हो ज़रूर बाय कीजिए। ऐसे ही आर्बिट्रम की आर्बिट नॉट ओडेसी NFT जो है, उनको भी मिस नहीं करना चाहिए। प्राइस आप देख सकते हैं, बहुत नीचे से प्राइस यहाँ से रिकवरी करके काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। 0.005 मैंने इसके प्राइस को देखा था और अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सॉलिड यहाँ से प्राइस जो है इनका, क्या कहते हैं, ऊपर यहाँ पर जाने लग रहा है और बहुत, मतलब प्राइस तो मतलब मुकाबला ही नहीं बेसिकली कि, और लोग यही समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप इसके ऊपर आ सकता है। अभी उतना गैप नहीं है यहाँ पर बायर और हॉडलर्स के, मतलब NFT और हॉडलर्स के बीच में, बट यहाँ पर फिर भी एक अच्छा वॉल्यूम है इनके पास में और बढ़िया यहाँ पर कह सकते हैं कि मस्त जा रही। मतलब मैंने भी ये वाली NFTs बाय करके अपने हर एक वॉलेट के अंदर रख दिए, चाहे कुछ हो ना हो, ये NFT ज़रूर है वहाँ पर, है ना। इस तरह का कुछ प्लान कीजिए, हो सकता है कुछ हो जाए। इसके बाद है Zerion की NFTs जो कि है ये 10 NFTs, इनको आप प्लान कीजिए। 10 तो आई नो कि आप लोग नहीं बाय कर पाएंगे, मैं भी नहीं बाय कर सकता हूँ, मतलब आप लोग क्या, मैं भी नहीं बाय कर सकता हूँ। टोटल ऊपर की 6 तो NFTs एटलीस्ट हम लोग बाय कर ही सकते हैं। $100-150 के अंदर अंदर मुझे लगता है कि सारी की सारी NFT जो है वो आ जाएंगी और आप इनको प्लान भी कर सकते हैं बाद में, अगर इनको प्लान करना चाहते हैं नीचे की 4 को, क्योंकि ये इन सभी के अंदर, मतलब लास्ट की 3 जो है वो लगभग आधा इथेरियम के आसपास में यहाँ पर लगेगा, 0.45 के आसपास में इथेरियम यहाँ पर लगेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, वरना स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेजरली नंबर 1 वाली जो NFT है वो 20 इथेरियम की है। आई नो वो तो हमारी पॉकेट से भी बाहर है तो उसको भूल ही जाते हैं। अगर कुछ है जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है और वो बाय करना चाहते हैं तो टॉप की 9 NFTs तो इजीली जो है आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। ऐसे ही है यहाँ पर लेजर की NFT जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये लोग काफ़ी कैंपेन वैम्पेन और वो सब चीज़ें रन करने की बात कर रहे हैं, काफ़ी पार्टनरशिप्स करने की बात कर रहे हैं। और एक स्नैपशॉट था जो कि हो चुका। अभी प्राइस इनका जो है अभी सडनली फिर से यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है, पीछे 0.2 से भी जो है नीचे चला गया था। और अगर ये मिलता है 0.15 और 1 इथेरियम के 0.1 के आसपास में, तो ज़रूर लेजर की NFT को भी जो है वो बाय कीजिए। वहाँ एयर ड्रॉप नहीं, बेसिकली आने वाले टाइम में काफ़ी सारे क्लेम, मतलब काफ़ी सारी NFTs आ सकती है जिनको आप क्लेम कर सकते हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है ना। कंफर्मेशन अभी कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर QuickX जो प्लेटफॉर्म है, या फिर कह सकते हैं कि NFT मार्केट प्लेस है, ये उनकी खुद की NFT है, इसको भी आप लोग बाय कीजिए, होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि ये लोग भी जब भी एयर ड्रॉप करेंगे तो मुझे लगता है अपनी NFTs को ये लोग नहीं मिस करने छोड़ने वाले हैं। ये इनकी खुद की ही NFT है QuickX वालों की। और ऐसे ही 3-4 और NFT है जो कि आप लोगों को नहीं मिस करनी चाहिए। इन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाइए और आपको इसी तरह की रोबोट वाली काफ़ी सारी NFTs मिल जाएगी जिनको मुझे नहीं लगता कि आप मिस करना चाहेंगे, है ना। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं 0.03 और इस लेवल के आसपास में चल रहा है। अभी धीरे धीरे करके हो सकता है वो बढ़ भी जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लग की NFT, और ये NFT जो है अभी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर है, अभी कुछ वॉल्यूम स्टार्ट नहीं हुआ है और लगभग कहीं पे पढ़ रहा था मैं 2000 के आसपास में इनके NFT अभी सिर्फ 86 लोगों के पास में है, और जो कि आप देख सकते हैं अभी वॉल्यूम भी इनका स्टार्ट नहीं हुआ। अगर प्राइस इनका NFT का प्राइस अगर 0.05 या उसके आसपास में मिलता है, नीचे की तरफ कहीं मिलता है, तो वहाँ पे आप लोग जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। और अभी कुछ कुछ आनी शुरू हुई है और मतलब मिस नहीं करना चाहिए। अभी जस्ट एकदम ही नया प्लेटफॉर्म है, शायद और कैंपेन ये लोग लेकर के आए, तो मिस नहीं करना चाहिए आपको। उसके बाद हमारे पास ज़ेपरफाई, ज़ेपरफाई में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी काफ़ी सारी जो ये तो वैसे आई गेस हाँ सेशन 1 की ये NFTs है और इसके बाद में इनके सेशन 2 है, सेशन 3 भी है। सेशन 3 आई गेस इन्होंने स्टॉप कर दिया था, ऐसा कुछ किया था। तो सेशन 1 की आप तो यहाँ पर ग्रैब कर ही सकते हैं। उसके अलावा सेशन 2 भी जो है वो ज़्यादा ये गोल्ड वाली जो NFT है ज़्यादा महंगी नहीं है, अगर आप इनको भी क्या कहते हैं होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, अगर आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप जो है वो मिल सकता है। ज़ेपरफाई जब भी लेकर के आए, क्योंकि इन्होंने मार्केट से फंडिंग उठाई है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आए, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर Twoson। वैसे इनका एक स्नैपशॉट जो ये लोग बात कर रहे थे वो हो चुका है, बट मैं ये कहूँगा कि अभी भी यहाँ पर चांसेस है कि आप लोग बाय करके होल्ड कीजिए, क्योंकि मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि चांस दोबारा नहीं मिलते हैं। और मैं ये कहूँगा कि बाय कीजिए, होल्ड कीजिए, क्या पता चांस लग जाए, है ना। लक बाय चांस वाली चीज़ है, अगर लग गया तो बहुत बढ़िया एयर ड्रॉप हो सकता है Twoson का, और अगर नहीं लगा तो खुदा मालिक। बट यहाँ पर स्ट्रैटोस के ऊपर बाय कीजिएगा, क्योंकि जो आर्बिट्रम का प्लेटफॉर्म है, आर्बिट्रम का NFT मार्केट प्लेस है, इन्हीं के मार्केट प्लेस से बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और स्ट्रैटोस की भी कोई टोकन नहीं है, तो क्या पता यहाँ पर इनका भी कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र आए एयर ड्रॉप। और ऐसी आर्बिट्रम नॉट वाली जो आर्बिट्रम ऑडेसी वाली जो NFT है वो भी मैं ये कहूँगा कि यहीं से ही बाय कीजिए, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आई गेस यहाँ पर थोड़ी सी सस्ती है वहाँ के मुकाबले, आर्बिट्रम के मुकाबले, सॉरी यहाँ के मुकाबले नहीं, बराबर ही प्राइस है। तो मतलब आप यहाँ पर बाय कीजिए, स्ट्रैटोस के ऊपर बाय कीजिए, तो यहाँ पर दोनों जगह बेसिकली कुछ बाय क्विक्स के ऊपर भी हो जाएंगी, कुछ बाय ये क्या कहते हैं OpenSea के ऊपर हो जाएगी, कुछ स्ट्रैटोस के ऊपर हो जाएगी, है ना, तो इन सभी के ऊपर अलग अलग हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास गैलेक्सी। तो इनमें से अगर आप जाकर के कुछ की NFTs बाय करेंगे Mail3 वाली, तो काफ़ी सारी मुझे लगता है इजीली आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, कल मैं बैठ करके इसको ट्राई कर रहा था, तो आधी से ज़्यादा मैंने भी इजीली ग्रैब कर ली। और 20 में से आई गेस 12 या 14 के आसपास में मेरे पास है इनमें से NFTs, तो आप लोग भी ज़रूर जाइए, इनको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। कुछ कैंपेन्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, और ये भी हो सकता है कुछ, क्योंकि एक सॉलिड प्लेटफॉर्म ये लोग बना रहे हैं और क्रिप्टो से क्रिप्टो जो ईमेल्स होती है उनसे रिलेटेड मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी पसंद इनका जो थॉट प्रोसेस आइडिया जो वो लगा, है ना, तो मिस मत कीजिए इनकी भी NFT। ऐसे ही जीटा चेन, इसका हम लोग कैंपेन शेयर करते रहते हैं, इनकी ये कुछ NFTs है, इनको भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है जीटा चेन को, इनको जो है क्लेम कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तीनों की तीनों यहाँ पर क्लेम कर रखी, ये एक अवेलेबल है, मुझे नहीं पता क्या है ये, है ना। मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, तो इनको भी आप क्लेम कीजिए। ये सारे के सारे लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप इनको जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा है SyncSwap। यहाँ पर SyncSwap में आप अगर टेस्टनेट और प्लस ये टेस्टनेट बैज जो है, अगर आपने कभी किया होगा, इनके टेस्टनेट को यूज़ किया होगा या कुछ भी किया इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लस आपने अगर कभी जो इनको डोनेशन किया था इस GR15 के अंदर, तो आप यहाँ पर ईज़िली क्या कहते हैं, तो आपको ओट जो है वो ईज़िली यहाँ पर मिल जाएगी। ये वाली में तो ओट जो अभी भी मिल रही है, ये दोनों शायद ख़त्म हो गया। अगर आपको मिलता है कहीं पर ये क्या कहते हैं SyncSwap से रिलेटेड NFTs ओट्स, तो ज़रूर बाय कीजिए। उसके अलावा यहाँ पर ZA Swap, अगर आपने GR14 GR15 के अंदर यहाँ पर इनको फंड्स दिए थे या फिर कह सकते हैं कि ग्रांट दिया था, तो आप लोगों को ये अब फ्री में कुछ NFTs दे रहे हैं, इनको भी जाकर के फटाफट से क्लेम कर लीजिए। फ्री के NFTs है, मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही स्पेस ID जो कि है टोफू NFT के ऊपर, वैसे आपको और जगहों पर भी मिल जाएगी, और BSC चेन की NFT है, और मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को ये भी मिस करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आने वाले टाइम में ये भी कुछ भयंकर करता हुआ नज़र आए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी लो प्राइस भी चल रहा है, थोड़ा बहुत क्लेम कीजिए, क्योंकि नई नई स्पेस ID जो है यहाँ पर क्लेम होती रहती है। और यहाँ पर आप ट्रेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 से भी ज़्यादा BNB का यहाँ पर वॉल्यूम है। फ्लोर प्राइस आप देख सकते हो काफ़ी कम है, और जैसे भी जो भी आप बाय करना चाहते हैं ना, जो भी आप प्लान करना चाहते हैं वो प्लान कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, एक बार ट्राई कीजिए। आप फ्री की मिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ से कुछ भी जो है वो बाय कर सकते हैं। और अपनी क्या कहते हैं, जैसे ENS था उसी तरह से यहाँ पर .BNB भी है। क्या पता लाइफ में कब कौन सी काम कहाँ पर क्या चीज़ आ जाए, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये तो मुझे लगता है सभी के पास ही होगी, शायद ही कोई पर्सन होंगे जिनके पास ये वाली लेंस प्रोटोकॉल की NFT या फिर कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं Web3 ID नहीं होगी, है ना, शायद ही ऐसे कोई होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर प्राइस जो है वो लगभग 40 मैटिक का है। 40 मैटिक मतलब $35 के आसपास में एक NFT है। आप बाय कीजिए, होल्ड कीजिए और इनके कुछ प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कीजिए। और काफ़ी टाइम से बार बार ये कह रहा हूँ कि ये वाली NFT ज़रूर आपके पास आपके पॉकेट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसका तो एटलीस्ट कंफर्म है कि ये लोग एयर ड्रॉप देंगे। इसके थ्रू आप जाकर के लेंस्टर और प्लस और ट्यूबस्टर ऐसे कुछ करके जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं, और क्या पता उनको यूज़ करने पे भी ये लोग कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप दे। तो ये थी सारी की सारी NFTs जो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर लेकर के आया हूँ। अगर मुझसे कुछ NFTs यहाँ पर मिस हुई है तो ज़रूर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, या मुझे टेलीग्राम पे DM करके बताइएगा। मैं उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ऐड करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा एक और पार्ट में बनाने वाला हूँ जो कि एयर ड्रॉप से रिलेटेड तो नहीं होगी, मगर आप अगर लॉन्ग टर्म में उनको होल्ड करना चाहेंगे तो क्या पता वो NFTs जो है आपको और अच्छा रिवॉर्ड जो है वो टोकन्स किसी और टोकन के मुकाबले ज़्यादा बेटर रिवॉर्ड दे सके। एक ऐसी वीडियो भी हम लोग कोशिश करेंगे इस वीक या इस वीकेंड तक हम लोग लाने की। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे भाइयों।